नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। हमारे समाज में, खासकर हिंदू परिवार में, एक परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। ये परंपरा है, किसी भी घर परिवार में किसी सदस्य के निधन के बाद दिया जाने वाला मृत्यु भोज या तिरहवीं का आयोजन। मृत्यु के 13वें दिन इस तरह के आयोजन करवाने की परंपरा आज भी समाज में जारी है, जिसे खत्म करने के लिए अब संस्कृति, परंपराओं और धर्म की नगरी महादेव की काशी से आवाज उठी है। यहाँ के एक गांव ने मृत्यु भोज या 13वीं के आयोजन का पूरी तरह से बहिष्कार करने का फैसला लिया है, और इसके बावजूद अगर कोई मृत्यु भोज या 13वीं का आयोजन करता है तो उसका भी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। दरअसल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के हरहुआ विकास खंड में आने वाले वाजिदपुर गांव में एक पंचायत का आयोजन किया गया था। इसी दौरान किसी के निधन के बाद दिए जाने वाले मृत्यु भोज को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जिसके तहत गांव में अब किसी भी तरह के मृत्यु भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अंतिम संस्कार के दौरान दिए जाने वाले कफन की परंपरा को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। गांव वालों का मानना है कि दुख की घड़ी में ना तो मृत्यु भोज कराना सही है और ना ही कफन देना, क्योंकि आखिर में वो भी जल ही जाता है। इतना ही नहीं, जो भी पैसे 13वीं में खर्च किए जाते हैं उन पैसों को अब एक कमेटी बनाकर उसके पास जमा किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर गांव के ही रहने वाले गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। गरीब परिवार की बेटियों की शादी हो या फिर गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई, इसी पैसे से उनकी मदद की जाएगी। ये फैसले भी कमेटी ही लेगी, जिससे किसी को कोई आपत्ति ना हो। आज हम लोग मीटिंग रखे हैं इस प्रपंच में कि जो 13वीं का आयोजन किया गया है, इसको हम लोग एक सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार कर रहे हैं जी। अगर कोई गांव में 13वीं करता है तो क्या निर्णय लिया जाएगा? नहीं, इसका सब लोग मिलकर हम लोग बहिष्कार करेंगे। आज हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा जो है एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में जो है निर्णय लिया गया कि मृत्यु भोज, हम लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करेंगे। और अगर कोई गांव में इसका करता है तो हम लोग सब लोग सामूहिक मिलकर इसका बहिष्कार किया जाए। गांव वालों ने मृत्यु भोज के बहिष्कार के साथ ही एक और फैसला लिया है, जिसके तहत 13वीं के दिन ही गांव में एक शोक सभा आयोजित की जाएगी। शोक सभा के दिन गांव में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या मृतक की भूमि में उनके जितने पुत्र होंगे वो उतने ही पौधे लगाएंगे और फिर इन पौधों को माता पिता मानकर बेटे उनकी सेवा करेंगे। ऐसे में पौधे के रूप में माता पिता उनके बीच रहेंगे और उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ऐसा करने से जहां सरकार की ओर से चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण अभियान को बल मिलेगा, तो वहीं पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और लोगों को खाने के लिए फल भी मिलते रहेंगे। वाराणसी के वाजिदपुर गांव वालों ने खुद के गांव में तो मृत्यु भोज का बहिष्कार शुरू कर ही दिया है। यहां तक कि किसी दूसरे गांव में अगर मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है तो वहां भी वाजिदपुर गांव वाले शामिल होने नहीं जाएंगे। वैसे तो ये सिर्फ काशी के एक गांव का फैसला है, क्या इसी तरह से देश के बाकी हिस्सों में भी मृत्यु भोज का बहिष्कार किया जाना चाहिए? इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से NMF न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की ये रिपोर्ट।